अमन सोनी आ रहे हो? हाँ हेलो भाई यार, मैं नहीं आ सकता यार, मेरे यहाँ बहुत काम है, तू आ जा यार। हाँ अमन सोनी ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ भाई जल्दी आ यार। अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। बोल रहा हूँ उसकी रिकॉर्डिंग हो रही होगी। अरे राजीव भाई आ गया, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। और गोवा चल रहे हो? हाँ यार बिल्कुल, हम रेडी हैं, वो जब बोल दो तब चले। ठीक है, और पापा जी से परमिशन ले लिए? क्या बात करते हो यार, उसे परमिशन लेना नहीं इन्फॉर्म करना कहते हैं। तो कर लो ना। चलो ठीक, जाता हूँ फिर मिलते हैं। चलो ठीक है, बताना जैसा। हाँ ठीक है। पापा पापा यहाँ बैठे हैं। मुझे माफ करना ओम साई नाथ, मुझे माफ करना ओम साई नाथ, सबसे पहले लूंगा अपने डैडी का नाम। खानी खानी है बेटा। भरा है पापा, भगवान हर जगह नहीं पहुंच सके इसलिए उन्होंने पिताजी बनाया, और भगवान हर जगह गधा नहीं पैदा कर सके इसलिए औरत पैदा कर दी। पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या है? यार मेरी इतनी फट क्यों रही है? मुझे तो अपने बाप से सिर्फ परमिशन लेनी है। अब मैं डायरेक्ट जाके बोलूंगा, पिताजी मुझे गोवा जाना है, पिताजी मुझे गोवा जाना है, पिताजी पिताजी। क्या आपसे कुछ बात करनी है? गोवा हो? हाँ गोवा हो। गोवा हो बेटा, क्या बोल रहे हो? गोवा गोवा पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जैसे आप जाते हो मुझे भी जाना है। क्या? जैसे मैं जाता हूँ वैसे तू भी जाना, कहाँ जाना है? पिताजी मुझे आगे जाना है, आगे आगे। अच्छा तो जाना आगे। पिताजी जैसे आप मुंबई जाते हो मुझे मुंबई के आगे जाना है। अच्छा तो तुझे पुणे जाना है? मैं पुणे में पूरी खा के क्या करूंगा, पुणे के आगे जाना है। आगे जाना है तुझे, जहाँ जाना है पिताजी, आगे जाना है और आगे। अच्छा तो तुझे बैंगलोर जाना है, तूने डिसाइड कर लिया है कि आईटीआई करके बैंगलोर जाएगा? अरे पिताजी मैं बैंगलोर में क्या करूंगा, उतने दूर मुझे नहीं जाना है, मुझे बीच में जाना है, बीच में। तो बेटा जाना बीच में ना आया। पापा जी ये मुंबई है ठीक है, और ये बैंगलोर, मुझे बीच में जाना है, बीच में। अच्छा तो तुझे गोवा जाना है, किस लिए जाना है बेटा? हाँ पापा आई एम गोइंग फॉर स्टडी टूरिज्म। टूरिज्म के लिए जाता वाला कोई, उसके लिए तो बेटा मैं नहीं जाने दूंगा। पिताजी कोई टूरिज्म नहीं, मैं वहां बीच में घूमूंगा बस, बीच में दारू लेके घूमूंगा बस, दारू लेके घूमेगा, मैं दारू लेके रीड मार के घूमूंगा। वाह और कुछ? मैं बीच में दारू लेके रीड मार के वो सब भी करूंगा। तो तू वो सब भी करेगा नालायक। पिताजी, दादाजी, दादाजी। तेरे दादा दादा बोलने से दादी थोड़े बन जाऊंगा। दादाजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। काले इसका मतलब बता। ये यू डिक्शनरी है, इसे खोलिए और यहाँ पे सिर्फ स्कैन करिए, आ जाएगा सिंपल सेंटेंस दादाजी। आज तेरे को दादा की याद आई? मुझे गोवा जाना है लेकिन पिताजी परमिशन नहीं दे रहे हैं, मुझे परमिशन लाके आप दीजिए। मैं हूं ना, अब मैं गोवा जा सकता हूँ। बोला मैं हूँ ना, इसे तेरे गोवा जाने का क्या मतलब? तुमने कहा बेटा लो। जी पिताजी। पापा पा लगू? पापा मैं बिजनेस मीटिंग के लिए बैंगलोर जा रहा हूँ, आप घर का ध्यान दिए रहना। बैंगलोर जा रहा है, मालिश करवाना मत भूलना। अरे पापा वहाँ मालिश ही तो कराने जा रहा हूँ, ऐसी अंदर तक मसाज कराऊंगा राहत मिलेगी। बैंगलोर के ही बगल में तेरा ऐसे पैर उठाएंगे ऐसे झटका से मारेंगे, बैंगलोर जाएगा नल्ले।
हाँ भाई, मैं बैंगलोर नहीं आ रहा हूँ, मेरे बाप ने परमिशन नहीं दिया यार। हमारी औकात ना चमटी मसाज कराने की है, तो मैं बैंगलोर नहीं आ पाऊंगा। बस मुझे गाली मत दिया, मुझे नहीं जाना है बस। बेटा जी ले अपनी जिंदगी, अपने बाप जैसा नहीं हूँ। जा। थैंक यू पिताजी। तो राजीव। हाँ यार सुन, बहुत अच्छी खुशखबरी है, तू जल्दी से आ जा। हाँ क्या खुशखबरी है? मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ, तू मेरे घर आ। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अरे राजीव भाई आ गए। जी यार बहुत बड़ी खुशखबरी है यार। आ यार आज तो तुम बहुत खुश दिख रहे हो। बैठो तो पहले बताता हूँ। ऐसा क्या हो गया? यार मैं गोवा आ रहा हूँ यार। अजीब, मैं गोवा आ रहा हूँ। अरे यस, क्या बताएं यार, टूर कैंसिल हो गया। बहुत देरी कर दी भाई, माफ करना, ऐसा हो तो हमारे भाई। यार तूने बहुत देर कर दी। यार तूने बहुत देर कर दी, हम तो सोच रहे थे फोन लगाने वाले थे। हम सुधी कौन सी बड़ी खुश कर रही है। लो गया चले भाई, दुख तो नहीं हुआ ना? माफ कर, बहुत हुआ यार, लेकिन चल कोई नहीं, हंसते हैं। चल ठीक है, फिर मिलेंगे, फिर बाकी होगा तो फिर वापस आएंगे। ठीक है यार।